फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल झारखंड एजुकेशन में। फ्रेंड्स, आप सभी को बता दूं कि 7JPSC का जो ऑनलाइन आवेदन किया जा रहा था, उस समय बहुत सारे स्टूडेंट का जो है कि यहां पर फॉर्म भरते फिलअप करते समय जो है कि बहुत सारा मिस्टेक, मतलब कुछ कुछ मिस्टेक हो चुका था। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर JPSC के द्वारा जो है कि इसे करेक्शन करने के लिए जो है कि लिंक को एक्टिवेट कर दिया गया। तो फ्रेंड्स, यदि आप लोगों का भी फॉर्म फिलअप करते समय किसी भी प्रकार का कोई मिस्टेक हुआ हो, तो आप जो है कि लिंक के माध्यम से जो है कि आप अपना करेक्शन कर सकते हैं, या फिर आप अपना जो भी डिटेल्स है आप उसको एक बार अच्छे से देख भी सकते हैं। किसी भी प्रकार का कोई मिस्टेक हो तो आप उसमें जो कि करेक्शन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं किस तरह जो कि आप फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं। सारा प्रोसेस आप लोगों को यहां पर वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं, तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा। और यदि चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपका जो भी वीडियो आए, जो भी अपडेट्स आए, उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, यहां पर वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को बता दें फ्रेंड्स, आप लोगों को जो कि JPSC का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, यहां पर जो कि आप लोगों को चले जाना है। और आप लोगों को बता दें फ्रेंड्स, यहां पर जो फॉर्म करेक्शन करने का जो डेट है वह 5 अप्रैल तक जो कि यहां पर बताया गया है। 5 अप्रैल तक जो कि आप इसका फॉर्म का करेक्शन कर सकते हैं। इसका लिंक जो है कि आज से एक्टिवेट कर दिया गया। तो फ्रेंड्स, यहां पर लिंक एक्टिवेट कर दिया गया, तो आप लोगों को करना क्या फ्रेंड्स, यहां पर आप देख सकते हैं यह पेज का लिंक जो है कि आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से भी डायरेक्ट, वहां से डायरेक्टली जो है कि आप जो है कि इस पेज पर जा सकते हैं। तो जैसे ही आप इस पेज पर आइएगा फ्रेंड्स, तो यहां पर नीचे स्क्रॉल करना है, और स्क्रॉल करने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं लॉगिन फॉर एडिट पे आप लोगों को क्लिक करना है। यदि किसी प्रकार को करेक्शन करना होगा, एडिट करना है, तो आप जो है कि यहाँ पर क्लिक कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आप क्लिक करते हैं, तो क्लिक जैसे ही कीजिएगा फ्रेंड्स, आगे इस तरह का इंटरफेस ओपन होकर आएगा। तो इस तरह का इंटरफेस ओपन होकर आएगा, तो फ्रेंड्स आप लोगों को करना कि यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, और उसके बाद यहाँ पर आप लोग अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है। तो फ्रेंड्स, डेट ऑफ बर्थ और रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर आप लोगों को यहाँ पर लॉग इन हो जाना है फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ और जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर है यहाँ पर फिल करके मैं आगे आप लोगों को प्रोसेस दिखाता हूं, तो थोड़ा सा वेट कीजिएगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ जो कि डाल लिया, डालकर जो कि यहाँ पे मतलब अब यहाँ लॉगिन पे क्लिक करता हूँ। तो लॉगिन पे आप लोगों को क्लिक करना है फ्रेंड्स। जब आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ फिल कर लीजिएगा, तो आप लोगों को जो कि लॉगिन पे क्लिक करना है। तो फ्रेंड्स, चलिए यहाँ पर मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूँ। तो जैसे ही लॉगिन पे क्लिक किया फ्रेंड्स, यहाँ पर जो भी आपका इन्फॉर्मेशन, जो भी उस समय जब फॉर्म फिलअप कर रहे थे, सारा इन्फॉर्मेशन जिस प्रकार से दिख रहा था आप लोग को यहाँ पर दिखेगा फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं यहाँ पर एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन फॉर्म डिटेल्स आप लोग को यहाँ पर दिखेगा, इस पर क्लिक कीजिएगा। तो उसके बाद यहाँ पर जो कि आप लोग अपना फोटो और सिग्नेचर इस पर क्लिक कर देख सकते हैं। यहाँ पर आप देखिएगा फ्रेंड्स, इस पर क्लिक कीजिएगा, तो इस तरह का जो भी आपका फोटो और सिग्नेचर होगा यहाँ पर आप लोगों को दिखेगा। यहाँ पर आपका पेमेंट के बारे में दिखेगा फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका पेमेंट सक्सेसफुल है या नहीं, यहाँ पर आप लोगों को दिखेगा। इस तरह से जो कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए यहाँ पर आप लोगों को बता दें कि फॉर्म जो यहाँ पर फर्स्ट जो पेज है यहाँ पर देखिएगा, रजिस्ट्रेशन फॉर डिटेल्स, इसमें किसी प्रकार का कोई अगर मिस्टेक हुआ हो तो आप जो है कि किस प्रकार से जो कि इसमें एडिट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को बता दें कि यहाँ पर एडिट फॉर एप्लीकेशन डिटेल्स पे जो है कि आप लोगों को क्लिक करना है। जब आप आगे इस तरह का इंटरफेस आप लोगों के सामने खुलकर आएगा, तो यहां पर आप लोगों को एडिट योर एप्लीकेशन डिटेल्स पर जो कि आप लोगों को ओपन करना है। तो जैसे ही आप इस पे क्लिक कीजिएगा फ्रेंड्स, तो जो भी एडिट करने का ऑप्शन आप लोगों को दिखने लगेगा फ्रेंड्स। यहां पर आप देख सकते हैं आपका सारा इंफॉर्मेशन यहां पे दिख रहा होगा, आप देख सकते हैं, पहले चेक कर सकते हैं कि यहां पर क्या-क्या जो कि आपका सही है या गलत है। यहां पर आप जो कि एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, और उसके बाद देखने के बाद फ्रेंड्स, यहां पर आप लोगों को जो कि एडिट योर एप्लीकेशन डिटेल्स पे क्लिक करना है। तो क्लिक मैंने किया फ्रेंड्स, तो आगे जो किस तरह का इंटरफेस जो कि ओपन होकर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को बता दें कि जब आप फॉर्म फिलअप कर रहे थे उसी प्रकार से जो कि यहां पर आप लोगों को दिखने लगेगा फ्रेंड्स, वैसा ही जो कि पेज यहां पर आप लोगों के सामने खुलकर आ जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोग का पर्सनल डिटेल्स रहेगा दिया हुआ, जो भी करेक्शन करना होगा आप यहाँ पर अपना नेम या फादर्स नेम, मदर्स नेम, जो भी है आपका जेंडर, मैरिड स्टेटस जो है यहाँ पर देख सकते हैं, नंबर ऑफ स्पॉट फ्रेंड्स। यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट का जो कि बहुत सारे मिस्टेक हो चुका था कि दो या एक दो जैसे नंबर डाल चुके थे, तीन में डाल चुके थे। तो फ्रेंड्स, आप लोग को बता दें कि नंबर ऑफ स्पॉट में यहाँ पर जीवन साथी हुआ, जो भी आप जितने भी आपके जीवन साथी, यानी कि नंबर ऑफ वाइफ एंड नंबर ऑफ हस्बैंड का यहाँ पर जो डालना है फ्रेंड्स, कितने आपके हस्बैंड और वाइफ है यहाँ पर आप लोग को है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो आप फिलअप कर लीजिएगा, सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स। आप स्क्रॉल करते हुए जो कि आप देखिएगा आपका जो भी मतलब करेक्शन करना होगा, आप यहाँ पे देखिएगा फ्रेंड्स, सारा इन्फॉर्मेशन जो कि आप अच्छे से फिल कर लीजिएगा। नीचे भी आप देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर जो कि आप लोग को एड्रेस वगैरह भी आप देख लीजिएगा एक बार, और उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इसे भी आप देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा आपका जो यहाँ पर मार्क्स ऑपरेंट था, यहाँ पर परसेंटेज, और जो भी मतलब यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर था, आप इसे एक बार अच्छे से देख लीजिएगा फ्रेंड्स। बहुत सारे स्टूडेंट का जो कि सर्टिफिकेट नंबर
जो है कि मिस्टेक कर दिए थे यहाँ पर फिलअप करने में भी, तो आप सर्टिफिकेट नंबर भी आप अच्छे से देख लीजिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो जब आप इस तरह से सारा इन्फॉर्मेशन आप फिल कर लीजिएगा सही से, और यदि आपका सही है तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग करेक्शन करने की आवश्यकता नहीं है। और फ्रेंड्स यहाँ पर एक था क्या कि डिक्लेरेशन में आप देख सकते हैं बहुत सारे स्टूडेंट जो है कि यहाँ पर दोनों में टिक कर दिए थे, तो आप लोग को बता दें फ्रेंड्स कि यहाँ पर जो सेकेंड वाला है इसमें जो जो गवर्नमेंट इंप्लॉयज हैं उन लोगों के लिए जो कि यहाँ पर आप लोगों को सेकेंड वाला में टिक करना था गवर्नमेंट इंप्लॉयज के लिए, तो अगर आप लोगों ने दोनों में टिक कर दिया तो आप लोग इसको अनटिक कर लीजिएगा। और उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर जब आप सारा इसमें एडिट कर लीजिएगा तो आपके मोबाइल पर जो कि एक SMS आएगा, तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोगों को बता दें कि मोबाइल पर जो SMS आएगा OTP आएगा, तो OTP आप लोग को यहाँ पर फिल कर देना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर OTP पे फिल कर आए का प्रोसेस जो है कि दिखाता हूँ। तो OTP आएगा फ्रेंड्स यहाँ पर फिल करने के बाद आप लोग को फाइनल सबमिट पर क्लिक करना है, तो थोड़ा सा वेट कीजिएगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने OTP जो कि जो मोबाइल नंबर भेजा गया था उसको मैंने यहाँ पर फिल कर लिया, तो आप लोग को फिल करना है फ्रेंड्स। और फिल करने के बाद जो फाइनल सबमिट देख रहे हैं इस पर आप लोगों को क्लिक करना है, आप एक बार चेक कर लीजिएगा फ्रेंड्स आपका सही सब करेक्शन कर चुके हैं कि नहीं, ठीक है फ्रेंड्स। तो जब आपका सही होगा तो OTP नंबर डालने के बाद यहाँ पर फाइनल सबमिट पे क्लिक करना। चलिए मैं यहाँ पर फाइनल सबमिट पे क्लिक किया तो ऐसे इस तरह का इंटरफेस आप लोगों को सामने दिखेगा फ्रेंड्स। यहाँ पर देखिए कहा जा रहा है कि आर यू श्योर टू सबमिट, मतलब क्या आप जो है कि सबमिट करने के लिए आप श्योर हैं। एज एडिट या चेंज इन एप्लीकेशन विल नॉट बी अलाउड आफ्टर सबमिशन, यानी कि सबमिशन के बाद जो है कि आप लोग को जो है एडिट करने का या चेंज करने का जो है यहाँ पर आप लोग को ऑप्शन जो है कि नहीं मिलेगा। तो यदि आप कन्फर्म है तो आप ओके पर क्लिक कर लीजिएगा फ्रेंड्स, और यदि कंफर्म नहीं है किसी प्रकार कोई डाउट होगा तो आप चेक कर लीजिएगा फ्रेंड्स के लिए कैंसिल पे क्लिक करके। चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर सारा इन्फॉर्मेशन मेरा सही है तो मैं यहाँ ओके पे क्लिक करता हूँ। तो जैसे ही मैंने ओके पे क्लिक किया फ्रेंड्स, तो आगे देखते हैं कि किस तरह का इंटरफेस यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स। इस तरह का इंटरफेस आप लोगों के सामने ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पर आप देखिएगा फ्रेंड्स, यू हैव अपडेटेड योर डिटेल्स सक्सेसफुली, यहाँ पर लिख रहा है यू हैव अपडेटेड योर डिटेल्स सक्सेसफुली, यानी जो करेक्शन यहाँ पर करना था तो सारा करेक्शन जो आप एक बार चेक कर लीजिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर जो करेक्शन था आप लोगों को सोने लगेगा जो आप किए थे आप सही से, फिर यहाँ पर आप लोगों को दिखने लगेगा फ्रेंड्स, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो इस तरह से जो है कि आप अपना जो है कि फॉर्म में किसी प्रकार का करेक्शन करना होगा तो आप जो कि इस तरह से जो कि आप कर सकते हैं। और मैंने आप लोगों को प्रोसेस का जानकारी दे दिया किस तरह से जो कि आप लोगों को फॉर्म का करेक्शन करना है, और ठीक है फ्रेंड्स। और आप लोगों को बता दें फ्रेंड्स, जो भी स्टूडेंट जो कि करेक्शन करेंगे उसके बाद लास्ट में जो कि प्रिंट रजिस्ट्रेशन स्लिप पर जो क्लिक करके जो कि आप लोग को रजिस्ट्रेशन स्लिप जो कि डाउनलोड कर लेना है। यहाँ से आप क्लिक कीजिएगा फ्रेंड्स, आप लोग का डाउनलोड जो कि हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में जो कि इसे शेयर कीजिए फ्रेंड्स, ताकि अन्य लोग भी इसका लाभ ले सकेंगे। और यदि कोई डाउट होगा फ्रेंड्स तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, वहां पर जो कि आपका डाउट जो है क्लियर कर दिया जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।